हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने स्किन शाइन क्रीम को बहुत लंबे टाइम तक लगा लिया और उसको छोड़ने के बाद आपका चेहरा ब्लैक पड़ गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकता है। मैं डॉक्टर खुशबू हूँ, स्किन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाती हूँ। अगर वीडियोज़ अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर स्किन शाइन क्रीम लगाने से आपका चेहरा ब्लैक पड़ गया है तो आपको क्या करना है। स्किन शाइन क्रीम एक ट्रिपल कॉम्बिनेशन क्रीम है जिसमें मोमेटासोन जो एक स्टेरॉइड होता है, हाइड्रोक्विनोन जो एक ब्लीचिंग एजेंट होता है और ट्रेटिनोइन जो पिंपल्स की क्रीम में स्किन को सुखाता है पाया जाता है। तो ये तीन कॉम्बिनेशन से क्रीम मिलके बनी होती है। तो आपका डॉक्टर मेलाज्मा जो झाइयाँ होती हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए थोड़े कम टाइम के लिए लगाने के लिए दे सकता है। लेकिन अगर आप इसको डॉक्टर की सलाह के बिना बहुत लंबे टाइम तक लगा लेते हो या अपने आप से ही लगा लेते हो तो उसके बाद आपके चेहरे पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। उसमें आपके चेहरे पे रेडनेस हो जाती है, आपका चेहरा ब्लैक पड़ जाता है, उसमें खुजली होती है, ड्राई हो जाता है, धूप में जाने से जलता है, आपके चेहरे पे बाल उग जाते हैं। तो ये सारे इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स हैं। इस क्रीम के साइड इफेक्ट्स भी क्या कहूँ, इसमें जो तत्व हैं जैसे कि स्टीरॉयड उसका साइड इफेक्ट है, हाइड्रोक्विनोन का साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी स्किन परमानेंट ब्लैक कर सकता है और जो आपका ट्रेटिनोइन है वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सुखा सकता है। आपने जब क्रीम छोड़ दी और क्रीम को छोड़े हुए आपको काफ़ी टाइम हो चुका है और फिर भी आपकी स्किन ब्लैक पड़ गई है तो आपको क्या करना है। आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है अपनी स्किन को हील करने के लिए। एक अच्छे से मॉइस्चराइज़र में मैं आपको पैरासॉफ्ट क्रीम बता सकती हूँ या मॉइस करके क्रीम आती है वो आप लगा सकते हो। मैं साइड में पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये क्रीम को अगर आपको अपनी स्किन ड्राई लगती है तो दिन में दो बार भी लगा सकते हो और अगर एक बार लगाने से अच्छा लग रहा है तो आप एक बार भी लगा सकते हो। स्किन की नीड के अकॉर्डिंग आपको मॉइस्चराइजर लगाना है। आपको फेस वॉश सेटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर यूज करना है या प्लेन वाटर से आप वॉश कर सकते हो। तीसरा, आपको धूप में जाते समय अपने चेहरे को धूप से बचाना है क्योंकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है और उसको धूप से बचाना आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपका कदम होना चाहिए क्योंकि धूप से आपकी स्किन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो आपको अपने फेस को कवर करके जाना है जो पीक आवर्स होते हैं धूप के, जैसे कि 11 बजे से दोपहर के 3-4 बजे तक अगर आप कोशिश करो कि बाहर ना निकलो तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद आपको सनस्क्रीन एक अच्छा सा लगाना है ताकि आपकी जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहे। साथ में आपको अगर इचिंग हो रही है तो एंटी एलर्जी टैबलेट लेनी है, जैसे कि एलेग्रा टैबलेट आप ले सकते हो, उससे आपकी इचिंग ठीक हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जो आपका चेहरा काला पड़ गया है उसके लिए आपको कौन सी क्रीम लगानी है। आपका जो चेहरा काला पड़ गया है वो उस क्रीम का साइड इफेक्ट है। उसके लिए क्रीम में आप सेफेस्ट स्किन लाइटनिंग क्रीम करके मेरा एक वीडियो है वो आप जाके देख सकते हो। उसमें मैंने 4-5 सेफेस्ट क्रीम बताई हैं जो प्लांट से बनी होती हैं, प्लांट का जो एक्सट्रैक्ट होता है उनसे मिलकर बनी होती है। उसमें बायल्यूमा क्रीम है, मेलाग्लो क्रीम है। तो इन दोनों क्रीम को मिक्स करके एक टेस्ट करने के बाद पहले 3 रात के लिए आप फेस पे कहीं एक जगह पे लगा के देखो, अगर आपको कोई बर्निंग इरिटेशन नहीं होती उसके बाद जहां जहां पे आपको डार्कनेस हो गई है वहां पे आप उसको लगा सकते हो। अगर ये क्रीम लगाने के बाद आपके चेहरे पे कोई जलन खुजली हो रही है तो इसका मतलब आपका फेस अभी इन क्रीम्स को सहन करने के लिए रेडी नहीं है। तो कुछ टाइम तक, कुछ महीनों तक आप सिर्फ फेस वॉश मॉइस्चराइजर लगाओ, सन से धूप से अपनी स्किन को बचाओ। साथ में एक विटामिन सी की टैबलेट आप ले सकते हो, लिमसी, जो पिगमेंटेशन डार्कनेस को कम करने में हेल्प करेगी। और एंटॉक्सिन एससी कैप्सूल आप ले सकते हो मॉर्निंग में, जो अंदर से स्किन को हील करने में हेल्प करेगा। साथ में एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि ये स्किन लाइट स्किन शाइन क्रीम, इन क्रीम्स को आपको दोबारा बिल्कुल नहीं लगाना। आपका चेहरा डल पड़ गया है कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप सब्र रखोगे और जो जो मैंने बताया है वैसे करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी स्किन बेटर हो जाएगी। एक होम रेमेडी भी जो आप घर पे कर सकते हो वो भी मैं बताना चाहूंगी कि थोड़ा सा बेसन लेके उसमें दही मिला के उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के थोड़ा सा शहद डाल के उसको मिक्स करके आप पेस्ट बना के वो भी आप हफ्ते में 1 या 2 बार लगा सकते हो। उससे भी जो आपकी स्किन है वो हील होएगी, आपकी जो रंगत है वो खिल जाएगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था स्किन शाइन क्रीम से अगर आपका चेहरा खराब हो गया है तो उसको कैसे ठीक करना है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।